उसका नाम भी मुझे नहीं पता। हेलो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में आपको स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे लेग एंड शोल्डर। तो सुबह से मैं जिम नहीं गया हूँ क्योंकि थोड़ा काम था घर का, इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो अभी मैं करूँगा वर्कआउट। तो आज था हमारा सैटरडे, आज तो सैटरडे का ये वीडियो है। तो सैटरडे में मैं क्या ट्रेन करता हूँ आप तो जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ। तो मैं ट्रेन करता हूँ लेग एंड शोल्डर। तो पहले हम लेग को ट्रेन करेंगे, उसके बाद शोल्डर ट्रेन करेंगे। तो होम वर्कआउट में मैं क्या क्या करता हूँ लेग वर्कआउट के लिए और शोल्डर के लिए भी क्या क्या करता हूँ तो आपको बता देता हूँ। पहले तो कुछ स्ट्रेचिंग और वार्म अप करेंगे, उसके बाद हम ट्रेन करेंगे, क्योंकि स्ट्रेचिंग और वार्म अप करने से आपका बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाएगा और रिलैक्स होने के बाद मतलब फ्री होगा। बने रहना हमारे वीडियो में और बोर लगे तो एक कमेंट कर देना बोरिंग के बारे में, जो जो बोरिंग लग रहा है उसके बारे में एक कमेंट कर देना, उसके बाद उसको मैं सुधारने के लिए ट्राई करूँ। पहले तो मैं करता हूँ वार्म अप और कुछ स्ट्रेचिंग का एक्सरसाइज। लेग वर्कआउट पे पहले मैं क्या कर करता हूँ वो भी आप सभी देख सकते हो तो इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और अभी हो गया है शाम का 6 बजे, तो अगर अभी जल्दी हो जाएगा तो मुझे 1 घंटे में जल्दी से फटाफट वर्कआउट करना पड़ेगा। वार्म अप के बाद कुछ पसीना ऐसे है मेरा, और चलते हैं जल्दी से लेग वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं। अभी मैं ट्रेन करूँगा स्क्वाट्स। पहले स्टार्ट करते हैं स्क्वाट वेट के साथ, 20 रिपीटेशन या 30 रिपीटेशन जाएगा मुझे भी नहीं पता। मैं एक बार लगाऊंगा वेट, उसके बाद हाँ 30 रिपीटेशन का 4 सेट लगाएंगे जल्दी से फटाफट से। और ज़्यादातर अंधेरा भी हो गया है तो स्टार्ट करते हैं। तो होम वर्कआउट में मैं ज़्यादातर रेपिटेशन 30 लगाता हूँ, क्योंकि आप जिम में हो तो आप वेट ऐड करके मतलब ज़्यादातर बड़ा बड़ा कर आपको 8 से 12 रेप से आपको मतलब फेलियर तक आ जाता है, लेकिन होम वर्कआउट से उतना रेपिटेशन लगाओगे तो फेलियर नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ज़्यादा रेपिटेशन लगाता हूँ क्योंकि वेट हमारे पास नहीं है होम वर्कआउट करने के लिए, और जिम पर ज़्यादातर वेट आर करने के लिए उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगता है। तो रेपिटेशन होम वर्कआउट करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा लगाना, और आप जितना चाहते हो उतना वेट ऐड करने के लिए ट्राई करोगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट, इसका हो गया 4 सेट और नेक्स्ट वर्कआउट आप देख सकते हो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसमें मेरा गया 10 से 12 रेप और फेलियर अचीव हो जाता है। तो भाई ज़्यादा अंधेरा हो गया है तो मुझे मिक्स वर्कआउट करना पड़ेगा, जैसे कि लेग के साथ शोल्डर। तो लेग के साथ शोल्डर ट्रेन करने के लिए मैं कौन सा एक्सरसाइज करता हूँ तो होम वर्कआउट करते हैं तो इसको भी फॉलो करना। तो आपके लोअर चेस्ट भी ज़्यादा निकला है तो फैट ज़्यादा है तो उसमें भी आपको मतलब रिजल्ट मिलेगी। ये वर्कआउट नेक्स्ट वाला वर्कआउट लेग विथ शोल्डर दोनों में ही इफेक्ट पड़ेगा। तो लेग वर्कआउट तो हो गया है मेरा, इसमें तो ज़्यादा पंप आ गया है और कुछ कुछ रह गया है क्योंकि रात भी ज़्यादा हो रहा है और आप सभी को मैं दिखा भी नहीं पाऊँगा क्योंकि अंधेरा ज़्यादा होने से कुछ शोल्डर की वर्कआउट करते और लेग की वर्कआउट भी उसके साथ में। तो इसमें सोमो स्क्वाट के साथ मैं शोल्डर का वर्कआउट करूँगा, तो बने रहना हमारे वीडियो में। लेग वर्कआउट हो गया ख़त्म और शोल्डर का भी थोड़ा पंप आ गया है अभी, तो शोल्डर रोटेशन करेंगे, उसका नाम भी मुझे नहीं पता, गलत है तो कमेंट पर जरूर बताना। अभी नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज जो है उसको मैं करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना। तो रात की वजह से इसका रेपिटेशन 15 गया, लेकिन 2 सेट नहीं लिया क्योंकि ज़्यादा नहीं हो पाया।
क्योंकि रात भी हो गया है ज़्यादातर, और दो एक्सरसाइज करेंगे शोल्डर का। शोल्डर के लिए दंड लगाएंगे, क्योंकि दंड में आपका जो ये वाला बॉडी पार्ट है उसको ज़्यादातर ट्रेन होता है, तो उसको ही स्टार्ट करते हैं। लास्ट में पाइप पुशअप मारेंगे और वर्कआउट कर देंगे ख़त्म। तो दंड 100 और पाइप पुशअप 100। तो चलते ऊपर, थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा अंधेरा हो गया है, ऊपर थोड़ा दिखाई देगा, तो चलते ऊपर। और एक बात, मैं कुछ फैंसी डाइट फॉलो नहीं कर पाता, घर का खाना खाता हूँ, अभी थोड़ा खाना भी कम कर दिया हूँ, क्योंकि कटिंग करने से खाना भी मतलब कार्ब्स भी कम करना पड़ता है और प्रोटीन ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन प्रोटीन का क्या, प्रोटीन को क्या बोलूँ, पूरा नहीं हो पाता है। और कुछ कमाई होने के बाद प्रोटीन को भी ट्राई करूँगा अच्छे से लेने के लिए। आप सभी के सपोर्ट की वजह से मैं ग्रो कर पाऊँगा, नहीं तो जैसे अभी हूँ वैसे ही रहूँगा, जैसे साइकिल से जाता हूँ वैसे ही साइकिल से जाऊँगा। तो देखते हैं क्या होता है, चलो स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। ज़्यादा बात बोल रहा हूँ मैं। तो भाई वर्कआउट के बाद बॉडी की कंडीशन कुछ ऐसे है, तो आप सभी को दिख सकते हो। फ्लेक्स भी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि हमारा मिरर भी थोड़ा अच्छा नहीं है। बल्किंग के समय ज़्यादातर फैट भी गेन हो रहा था, इसलिए कटिंग भी दिख नहीं रहा है। कुछ दिन टाइम लगेगा दिखने के लिए। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो आज की बॉडी की कंडीशन कुछ ऐसे है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ क्या नहीं, बाहर रख दे, चल रख दे, हाँ रख दे, चार हाँ।